अमेरिका ने भारत को धोखा दिया। पाकिस्तान सरकार का दावा है कि अमेरिका ने उन्हें आतंकियों की जो लिस्ट दी है उसमें लश्कर के हाफिज सईद का नाम नहीं है। अमेरिका के इन दावों के पीछे आतंकियों की लिस्ट जो सौंपी गई है, जो पाकिस्तान दावा कर रहा है, जिन पर पाकिस्तान को कार्रवाई करनी है, पाकिस्तान कह रहा है कि दरअसल अमेरिका ने जो लिस्ट दी है उसमें पाकिस्तानी आतंकियों के नाम है ही नहीं। दिल्ली में अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन के बगल में बैठकर भारत की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज कह रही थी कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाका है, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसके एक दिन पहले ही अमेरिका ने पाकिस्तान को कार्रवाई के लिए आतंकियों की जो लिस्ट सौंपी थी उसमें हाफिज सईद का नाम नहीं था। वही हाफिज सईद जो मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड है, जो प्रतिबंधित संगठन जमात उद दावा और लश्कर ए तैयबा का चीफ है, यानी अमेरिका के लिस्ट से दुनिया का मोस्ट वांटेड आतंकी नदारद। पाकिस्तान का दावा है कि मुंबई हमलों का मास्टरमाइंड आतंकी हाफिज सईद का नाम उन आतंकियों की सूची में नहीं है जिसे अमेरिका ने पाकिस्तान को सौंपा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ख्वाजा आसिफ ने पाकिस्तान की संसद में बयान दिया कि अमेरिका ने पाकिस्तान को 75 आतंकियों की लिस्ट सौंपी है, उसमें हाफिज सईद का नाम नहीं। आसिफ ने कहा अफगानी नेटवर्क सूची में सबसे ऊपर है, लेकिन कोई भी आतंकी पाकिस्तानी नहीं है। अगर पाकिस्तान का यह दावा सही है तो अमेरिका के विदेश मंत्री रेक्स टिलरसन का कल दिल्ली में दिए उस बयान का क्या, जिसमें वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान में कई आतंकी संगठनों की पनाहगाह है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो क्या अमेरिका दो जगह अलग बातें करता है? जैसा देश वैसा भेष बना लेता है अमेरिका। पाकिस्तान में अमेरिका उसे खुश करने वाली बातें कहता है, भारत में आकर भारत को खुश करने वाली बातें करता है। क्या अमेरिका का भारत दौरा सिर्फ हथियार बेचकर पैसा कमाने का है? क्या वाकई वो पाकिस्तान में खुलेआम घूम रहे आतंकियों पर कार्रवाई चाहता है? भारत बार बार अमेरिका को याद दिला चुका है कि पाकिस्तान आतंकियों का पनाहगाह है। क्या अमेरिका ये भूल गया कि हाफिज सईद इस साल जनवरी से पाकिस्तान में नजरबंद है? हाफिज सईद जमात उद दावा का चीफ है, जिसे 2014 में खुद अमेरिका ने विदेशी आतंकी संगठन की सूची में शामिल किया था। जमात उद दावा प्रतिबंधित आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा का फ्रंट है, जो भारत में मुंबई सहित कई आतंकी हमलों के लिए जिम्मेदार है। क्या वक्त आ गया है कि मोस्ट वांटेड आतंकी पर कार्रवाई के लिए अमेरिका का मुंह ताकने की बजाय? मजीद न्यूज एंटरटेनमेंट और मालूमती वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल लैया न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें, ताकि आपको हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, हमारे फेसबुक ग्रुप को ज्वाइन करें। अल्लाह हाफिज़।